मेयर्स जो हैं वो ये वाली इस्तेमाल की जाती हैं, इससे जो म्यूल आता है वो अच्छी बोन का, अच्छी हाइट का, अच्छी अच्छे अच्छे वेट का, अच्छी स्ट्रेंथ का जो है वो आता है। वो भी इसी तरह वजन खींचता है फिर। यस दे डू इट एंड दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच एक्चुअली। एंड आइए यहाँ पर अपना हॉर्सेस का जो शौक है उसको पूरा कीजिए, राइडिंग सीखिए और यहाँ से आपको नेशनल लेवल पर परफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो मिलती हैं। अरब घोड़ा बेसिकली शॉर्ट हाइटेड घोड़ा होता है, जो प्योर अरब घोड़ा होगा वो आप देखेंगे शॉर्ट हाइटेड। हाइट जो है ना वो कहीं ना कहीं थोरोब्रेड हॉर्स का इन्फ्यूजन करके हासिल किया गया। ये प्योर अरब घोड़ा है, इसका इसकी जो बाप की साइड है दैट वो स्ट्रेट इजिप्शियन हॉर्सेज है, और जो माँ की साइड है वो आर्मी के जो प्योर ब्रेड अरेबियन है वो उस साइड से है। ठीक है, बड़ा परफेक्ट ब्लेंड है, लेकिन ज़्यादातर जो ये इसका जो बॉडी है वो ज़्यादा स्ट्रेट इजिप्शियन की तरफ। ये परचरॉन ब्रीड है, आप देख सकते हैं इसका फेस बड़ा सा है। ये परचरॉन ब्रीड है, ये हैवी लोड्स को लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा। हैवी लोड्स को लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेट मी टेल यू, मतलब आप अगर वर्ल्ड वॉर टू की कैनन्स देखें, इतनी ह्यूज कैनन्स, उनको आगे लिफ्ट करने के लिए, आगे मूव करने के लिए, उस वक्त तो ये ऑटोमोबाइल्स नहीं थे, आगे ट्रक्स वगैरह नहीं थे, तो उसके लिए ये यूज होते थे, काफी सारे घोड़े इस्तेमाल होते थे आगे इसको। बग्गी के आगे जो लगते हैं वो यही, बग्गी के आगे भी अभी उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आर्मी इनको यूज करती है म्यूल्स प्रोड्यूस करने के लिए। नॉर्दर्न एरियाज में जहाँ सड़कें नहीं होती वहाँ इनको म्यूल्स प्रोड्यूस करने के लिए, स्टालियन जो है वो डोंकी इस्तेमाल किया जाता है, देयर ऑस्ट्रेलियन डोंकीज, देयर बिग डोंकीज, एंड मेयर्स जो हैं वो ये वाली इस्तेमाल की जाती हैं, इससे जो म्यूल आता है वो अच्छी बोन का, अच्छी हाइट का, अच्छी अच्छे अच्छे वेट का, अच्छी स्ट्रेंथ का जो है वो आता है। वो भी इसी तरह वजन खींचता है फिर। यस दे डू इट एंड दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच एक्चुअली। जी ये एंग्लो अरब जंपर है जो मैंने आपको पहले भी शायद टेबल्स में इंट्रोड्यूस कराया था। इसका जो ये वो जिसको मैंने हाथ लगाया था, इसका जो सायर साइड है यानी कि जो इसकी पैटर्नल साइड है वो अरब है, और जो मदर साइड है, मैटर्नल साइड है, वो थोरोब्रेड। थोरोब्रेड से हम हाइट गेन करते हैं, स्पीड गेन करते हैं, अरेबियन से हम स्टेमिना गेन, स्टेमिना और एंड्योरेंस गेन करते हैं। ये प्योर देसी चीज़ है जी, लोकल। अच्छा। लोकल ब्रीड है। लोकल ब्रीड का अंदाज़ा लगाने के लिए आप उनके कान देखें। हाँ। कि जो कान होते हैं ये टेढ़े यूं करके होते हैं। अच्छा ठीक है जी। और अरब वाले की, अरब जब आप कान सामने फ्रंट पे करेंगे तो उसमें कर्व नहीं होगा, जितना कर्व आता जाएगा इट्स लोकल ब्रीड। मरवारी हॉर्सेस, वो तो बिल्कुल सीधा है, उसका काठियावाड़ी हॉर्सेस, मोरना नस्ल, बेशुमार, ये सारे के सारे देसी ब्लड है। हाँ। ये प्योर देसी ब्रीड है। और इसकी ये ज्यादा हाइट बहुत छोटी, वैसे हाइट्स वेरी करती हैं, हाइट्स वेरी करती हैं। टेंट खास तौर पे जब सोर्ड से आप टेंट पैकिंग कर रहे होते हैं, सोर्ड का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए अच्छी अच्छी बात होती है जरा शॉर्ट हाइटेड एनिमल। जब तलवार से आप लड़ रहे हैं, तलवार से हमने पेग निकालना होता है, किला निकालना होता है, तो उस जब जंग के अंदर लड़ाई हो रही होती थी तो उसके लिए छोटी हाइट परफेक्ट है या बड़े भाई, डिपेंड करता है उस वक्त तो, या कि जो भी घोड़ा अवेलेबल है चलो। ठीक है जी। आगे ये कौन सा, ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है, देखें इसके माथे के दरमियान चांद, स्टार है, स्टार बोलते हैं इसको, स्टार भी बोलते हैं, चांद भी बोलते हैं लोग इसको। तो ये कौन सी, ये थोरोब्रेड है, इसका नाम क्या, इसको हम बेला, बेला घोड़ी है ये, बेला। हाँ, ये तो नहीं है वो जो मुझे आपने गिफ्ट की थी, ये वही है। हाँ, इसके ऊपर ना मैं अभी राइड करूँगा थोड़ी देर में, और देखिए आप माशाल्लाह कितनी प्यारी है, और जो सबसे मेन अट्रैक्टिव पॉइंट है इसका, ये स्टार होता इस है, जो माथे पर जैसा निशान होता है ना इसका प्रॉपर नेम होता है, लाइक स्टार ऑन फोरहेड, इसी तरह कभी यहाँ पर लाइन होती है, कभी बिल्कुल एक छोटा सा स्पॉट होता है। हाँ। कभी ये डिस्कनेक्टेड लाइंस होती हैं, डिपेंड करता है इसके प्रॉपर नेम्स हैं, वो आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएंगे अच्छी। हाँ, मैं पढ़ रहा था इधर आने से पहले। अच्छा, मैं जब भी इसके पास आता हूँ तो अपने आप को चार्ज करना शुरू कर देती जिस तरह वो गाड़ियाँ नहीं दिखाया करती। खैर, थैंक यू सो मच कि आपने ये सारा मुझे ब्रीफ किया इन ब्रीड्स के हवाले से। आइए यहाँ पर अपना हॉर्सेस का जो शौक है उसको पूरा कीजिए, राइडिंग सीखिए, और यहाँ से आपको नेशनल लेवल पर परफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो मिलती हैं। चलें, सो नाइस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।